आपको करना है कैपिस्टेंस, क्या कर रहे हैं जिसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ कैपिस्टर, पढ़ा रहा हूँ ना। कैपिस्टर के तीन टाइप होते हैं, टाइप ऑफ कैपिस्टर, पैरेलल प्लेट, दूसरा स्फेरिकल प्लेट कैपिस्टर, तीसरा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपिस्टर। समझ में आ गया? पहले मैं पैरेलल प्लेट कैपिस्टर करवा रहा हूँ आज, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे आपको मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो सब बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूं, एलसीडी की बात कर रहा हूं, मैं एलसीडी समझ रहे हो ना, लीनियर चार्ज, इसका सिंबल था लैम्डा क्यू अपॉन में एल, में क्यू को बड़ा ले रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसको। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी एससीडी क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एस या ए, एरिया लेना होता है। और फिर था वॉल्यूम चार्ज, इसका सिंबल क्या था, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी, यही था ना सारा। अच्छा, इसके अलावा मैं यहां पर जो बात करूंगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये कैसे लिख सकता हूं मुझे ये बताओ। आपने बताया कि बोस लॉ के अंदर सिग्मा और बोलो, देखो ई और एप्सिलॉन नॉट था ना यहां पर, और साथ में यहां पे क्यू था, यहां पे सॉरी सरफेस एरिया था, पढ़ा था ना सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्लीकेशन ऑफ बोस लॉ के अंदर। इस एस को इधर ले तो सिग्मा क्यू बाय एस इज इक्वल टू ई है या नहीं है, इस यहां पे दिख रहा क्या, इस ई की वैल्यू क्या फील कर सकता हूं, ऐसे क्या था क्या, अरे ये चीज थी क्या, और उसके बाद इसको यहां भेज दिया, इस क्यू बाय एस का मतलब क्या है, सिग्मा था ना, यहां कुछ और था, क्या था यहां पे बोस लॉ के अकॉर्डिंग, क्यू बाय एस की जगह सिग्मा आएगा, क्यू बाय एस की जगह सिग्मा आएगा, ठीक है। यहां था वन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होता था क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता था फॉर्मूला, याद है क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू, ये तो बोस लॉ और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग बताया हुआ ना, तो इन दोनों कंपेरिटिव ये बनाया। और इस क्यू बाय एस को क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाय एस मान लो या क्यू बाय ए मान लो, एक ही बात है, एरिया मान सकते हैं ना, हाँ भी गरिमा, समझ में आ रही बात। तो यहाँ से ये इसको क्या लिख सकता हूँ दोनों को, तो यानी कि क्या बन गया, कुल मिला के सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कैपिटल ई, ये समझ में आ रहा है, बस तो हमें ये चीज याद होनी चाहिए, बाकी सारा चेक देंगे। अब मैं सबसे पहले बता रहा हूँ पैरेलल प्लेट, तो ये तो मैंने एक प्लेट ये ले ली जिसका नाम पी वन रख दिया, ये दूसरी प्लेट है जिसका नाम मैंने पी टू ले लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो ई है ना ई, उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, कैसे वो पता लग रही होगी या नहीं लग रही, इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड है वो जीरो है, इस पे यहाँ पे प्लस 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 ऐसे चार्ज है, इधर वाले पे यहाँ कौन सा है, और इसको यहाँ आठ भी कर दो, क्लियर, क्या नहीं समझे। अब यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू, पहले प्लेट कैपेसिटर का कर रहा हूँ डेरिवेशन, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय पढ़ा हुआ है ना, देन ई एफ आई बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में कितना होगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कैसे हुआ अभी बताया था मैंने सारा एक्सप्लेन करके, ये पीछे की क्लास में पढ़ा हुआ है अपना, ठीक है। अब इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। अब आपने वी पढ़ा हुआ है पोटेंशियल, वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू, यानी पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। इस क्यू को इधर भेज दें, एस क्यू को वहीं पढ़ा देंगे, चलो वी वन इज इक्वल टू डब्ल्यू की जगह में एफ, और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डी, दोनों प्लेटों के बीच में मान लो डी गैप है, और अपॉन में कौन है क्यू, यानी अच्छा आप लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नहीं होता था क्या, क्यू नॉट, तो एफ बाई क्यू क्या लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, तो वी वन इज इक्वल टू ई और डॉट डी लिख दू या लिख दू, बोलो। अब इस ई की वैल्यू क्या निकाल रखी है, वी अपॉन में सिग्मा अपॉन में, और साथ में समझ में आया ऊपर से गया, बोलो
अगर यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए है ना, रख दो वो भी, वी वन इज इक्वल टू क्यू बाई ए और साथ में डी और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक समझ में आया ऊपर से गया। ये मैंने किस तरीके से क्या किया समझ में आ रहा, सारा साफ हो गया ये बता दो मुझे, आ गया ठीक है। अब आपने खुद पढ़ा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क पोटेंशियल सी होता था क्यू इजल टू सी वी, पढ़ा था ना, तो यहाँ ये जो फॉर्मूला अपना मान लो क्यू इजल टू सी वी, इस वी की वैल्यू मैं फिल कर सकता हूँ, करवाना जरा क्यू इजल टू क्या आएगा, सी इंटू वी की जगह क्यू डी ए और एप्सिलॉन नॉट, आएगा नहीं आएगा, ये क्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भाई साहब इधर आएंगे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी इजल टू सी, या नहीं बनेगा बन जाएगा। और फाइनली हमें ये निकालना था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, समझ में आया ऊपर से गया, इसको लिख लो बाकी बचाओ कल करा दूंगा, ठीक है, राइट डाउन।